और मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आ चुके खतरनाक टू और रैंक पोस्ट वीडियो के संग। आज अपन का रैंक पोस्ट का है डे 5, जहां पे आप लोग क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहां पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब इंट्रो में आप लोग देख चुके होगा कॉन्करर तो यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ, पर कॉन्करर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी। वो सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और सीधा बढ़ते यहाँ पे वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने इवेंट क्लियर कर दिया था और जस्ट यहाँ पे मेरे अलावा यहाँ पे दो बंदे ऑल अराइव थे। अब यहाँ पे मैं रिकॉल लेने के चक्कर में एक टीम से फाइट कर जाता हूँ, जहाँ पे एक बंदे को तो इजीली नॉक कर देता हूँ, पर तभी यहाँ पे सेकंड बंदे का साउंड आता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉल बैक करूंगा। रिकॉल खत्म तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेरे को साउंड आ चुका था कि वो बंदा रिवाइव हो रहा है। बस आ गया। और बहुत ही आराम से इसके सेकंड बंदे को ही फिनिश कर देता हूँ। अब ये वाला 1v2 आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ जोन के लिए। अब जिस आईडी में कॉन्करर हुआ वो यही वाली आईडी है, और इस आईडी में जब कल रात को मैं गेम खेल रहा था तो कॉन्करर के लिए बस यहाँ पे 60+ ही चाहिए था। पर भाई ये 60+ निकालने मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पे जस्ट एक टीम का रस आता है। यहाँ पे मैं जितना हो सके सेफ खेल रहा था क्योंकि आईडी में ज्यादा टाइम नहीं बचा था। अगर यहाँ पे मैं 40 से 50+ करूंगा तब भी इस आईडी में कॉन्करर हो जाएगा। पर यहाँ पे काफी ज्यादा गलत सीन होता है, एक टीम का रस आता है जिसे तैसे तैसे तो मैं फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद सीधा निकल जाता हूँ जोन के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे जोन में आता हूँ तभी मेरे को हल्का सा राइट हैंड साइड यहाँ पे मेरे को एक बग्गी का साउंड आने लगता है। अब यहाँ पे मैं तो नॉक हो चुका था, पर लकीली जिस बंदे ने नॉक दिया था वो सिंगल ही बंदा होता है जिसके चक्कर में वो मेरे ऊपर रश नहीं करता है। तो फटाफट यहाँ पे रिवाइव होता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत हीलिंग कंप्लीट करने के बाद जो सामने वाला बंदा था उसको यहाँ पे मैं नॉक करने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे जोन भी चालू हो चुका था और सामने वाले बंदे को ऑलरेडी मैं अच्छा खासा डैमेज कर चुका था, तो यहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ जोन के लिए। पर ऑलरेडी हर जगह बंदे होते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जिसे बहुत ही आराम से फिनिश कर देता हूँ। और बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज आता है गाइस, उसको थोड़ा अवॉइड मारना क्योंकि मेरे घर के सामने किसी का घर बन रहा है, तो ठीक है भाई इग्नोर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नॉक तो हो जाता हूँ पर जैसे तैसे रिवाइव हो जाता हूँ, और जिस बंदे ने मेरे को नॉक दिया था अब देखो उसके साथ क्या करूंगा। और उससे पहले यहाँ पे हीलिंग करता हूँ, और तभी वो जो बंदा होता है वो यहाँ पे हल्का सा मेरे को स्पॉट होता है। और बहुत ही आराम से इस बंदे को ही फिनिश कर देता हूँ। पर उससे पहले अगर आपको रैंक पोस्टेटी कुछ भी चीज पूछनी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हाथों में रिप्लाई दे देता हूँ। और कुछ जरूरी कमेंट होता है तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए आप लोग ये चेक करो। हमारे अलावा 3 बंदे और आ रहे थे जिसमें से 2 बंदे हमारे आगे होते हैं, और लकीली यहाँ पे मेरे को उतरना होता है क्योंकि ऑलरेडी में अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। अब सामने वाली टीम का एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, पर यहाँ पे अपन पे कुछ खास कवर नहीं होता है। टीममेट्स कहता हूँ भाई जितना हो सके स्मोक कर। यहाँ पे आगे साइड मैंने बंदा नॉक दिया था, तो मेरा प्लान था अगर मैंने सामने वाली टीम को फिनिश कर दिया तो जो सोलो बंदा है उसको मैं इजीली फिनिश कर सकता हूँ, पर उसके लिए यहाँ पे मेरे को टोर्नेडो बनाना होगा। यार मैं हीलिंग कर रहा, हीलिंग क्यों नहीं हुआ? चूतिया ये पीछे में वाले जो भाई यहाँ पे मैं नहीं बना पाता हूँ। पर 13 किल के साथ मैं #3 पे आया था, और इस गेम में होता है 30 का प्लस। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग।